संसद में मुलायम सिंह द्वारा मोदी के लिए जो शब्द कहे गए वे बेहद चर्चा का विषय बने हुए हैं। राजनीति में इसको लेकर कई तरह की चर्चाएं चल रही हैं। लोकसभा के अंतिम दिन भाजपा के कट्टर विरोधी रहे समाजवादी पार्टी के नेता मुलायम सिंह यादव ने लोकसभा के सभी सदस्यों को उस समय चौंका दिया जब उन्होंने राजगढ़ के दोबारा चुनकर आने और पीएम नरेंद्र मोदी के दोबारा प्रधानमंत्री बनने की कामना की। विपक्षी संपर्क के अध्यक्ष सोनिया गांधी के बगल में बैठे यादव द्वारा 16वीं लोकसभा के अंतिम दिन अध्यक्ष सुमित्रा महाजन को धन्यवाद देते हुए टिप्पणी की गई। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने सभी को साथ लेकर चलने की पूरी कोशिश की। सदन में जितने भी माननीय सदस्य हैं वे सब के सब फिर जीत कर आए। मैं प्रधानमंत्री जी के बारे में भी कहना चाहता हूँ, आपने सबको साथ लेकर चलने की कोशिश की है, मैं आपको बधाई देता हूँ, आप फिर से प्रधानमंत्री बने। श्री यादव के इतना कहते ही विपक्षी नेता एक दूसरे का मुंह देखने लगे। कुल मिलाकर हुआ यह है कि मुलायम सिंह के बेटे और बसपा की नेता मायावती ने आपस में गठबंधन किया है मोदी को हराने के लिए, लेकिन मुलायम सिंह यादव के इस आशीर्वाद ने सभी को चौंका कर रख दिया। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।